पहले तो उसने तुमसे झूठ बोला कि हरिणी उसकी और देवीताई की बेटी है, और दूसरी तरफ माधुरी को अपनी ही बेटी का गार्डियन बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं हरिणी पुलकित और माधुरी की बेटी तो नहीं है। आप ये कैसे सोच सकते हैं? पुलकित सर माधुरी ताई को अपनी बहन से भी बढ़कर मानते हैं विराट सर। अगर ऐसा है तो हरिणी माधुरी को बुआ के बदले मां क्यों बुलाती है? है कोई जवाब? हाँ है। माधुरी ताई और हरिणी दोनों एक दूसरे को शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं। माधुरी ताई हरिणी को हरी कहती है और हरिणी माधुरी ताई को माँ। बढ़िया है। और ये बात किसने कही तुमसे? पुलकित ने? हाँ। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे इसमें ना मानने वाली क्या बात है विराट सर? पुलकित तुम्हें कुछ भी कहता है तुम उसे सच क्यों मान लेती हो? सही में समझता हूँ कि तुम ताई की खुशियां चाहती हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा कैसे कर सकती हो। आंखें बंद कर मैं नहीं आप भरोसा कर रहे हैं, और वो भी एक गुमनाम चिट्ठी पर जो क्लियरली पुलकित सर को बदनाम करने के लिए ही लिखी गई है। किसी की सोची समझी चाल है। अब कल को अगर मैं ऐसी चिट्ठी डाल दूं विराट सवान स्मगलर है, तो फिर अब उस चिट्ठी को सच मानकर खुद को गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें ये सब एक चाल लगती है ना? ठीक है, मैं होली के बाद फिर से छानबीन करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यह खत कहां से आया है, किसने लिखा है। बात की तह तक जाऊंगा मैं, और जैसे मैंने पहले कहा है मैं फिर से कह रहा हूं, आखिर ये बात मेरे ताई की है, मेरे परिवार की इज्जत की है। बाकी तुम वहां क्यों खड़ी हो? कुछ काम था? हाँ, लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली तुम सही वक्त पे आई हो। सही और मेरी बात बस पूरी हो चुकी है। मैं सही को यही समझा रहा था कि वो पुलकित सही के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसका गलत फायदा उठा रहा है, क्योंकि वो जानता है सही ताई को खुश देखना चाहती है ना, तो वो उसके और ताई के बारे में उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुना सुना कर सही को अपनी तरफ करना चाहता है। मुझे यकीन है सही इतनी तो समझदार है कि पुलकित की झूठी बातों में नहीं आएगी। समझदार तो मैं हूं पाकी दीदी, लेकिन साथ में एक इंसान भी हूं जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हैं, और मेरा दिल कहता है कि पुलकित सर जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। इतने जिद और ईगो अच्छा नहीं होता सही, कभी कभी हमें दूसरों की बात पर भरोसा भी कर लेना चाहिए। और तुम पुलकित जैसे आदमी पर यकीन किस बुनियाद पर कर रही हो? तुमने कभी सोचा है कि जो आदमी बरसों पहले गायब हो गया था वो इसी शहर में रहने के बावजूद भी देवीताई से एक बार भी मिलने नहीं आया? क्यों बोलो, जानती हो तुम? मैं बताती हूं, वो इतने सालों से इस घर में सिर्फ इसीलिए नहीं आए क्योंकि इस घर के लोग पुलकित की नियत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने पुलकित के साथ तुमसे ज्यादा वक्त बिताया है सही, वो जानते हैं कि पुलकित क्या कर सकता है और क्या नहीं। किसी की सच्चाई जानने के लिए उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना जरूरी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि पुलकित सर सच बोल रहे हैं, और घर के बाकी लोग क्या सोचते हैं उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सही, ये बात जितनी होनी थी हो चुकी है,
अब और नहीं, ये टॉपिक यहीं का यहीं खत्म होता है। और पुलकित के साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। मैं बस इतना जानता हूं, उसने जो खिलवाड़ मेरी देवी ताई के दिल के साथ किया है उसका नतीजा तो अच्छा नहीं होने वाला। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि अब इस मामले में तुम और ना पड़ो, नहीं तो पुलकित के साथ साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। ताई की खुशियों के लिए मुझे किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े मैं करूंगी। इन मामलों को तुम घर के बड़ों पर छोड़ दोगी ना तो ज्यादा बेहतर होगा सही, क्योंकि घर के बड़े ही नहीं चाहते कि देवी ताई और पुलकित का अतीत पूरी दुनिया के सामने आए। तो फिर तुम जानबूझकर ये तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम क्यों हर चीज का भार अपने सर पर उठाना चाहती हो? मेरा सर है ना पाखी दीदी, तो मुझे तय करने दीजिए किस चीज का भार उठाना है किस चीज का नहीं। मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। पाखी तुम्हें कुछ अच्छा समझाने की कोशिश कर रही है, तुम्हें उसमें भी गलत नजर आ रहा है? विराट, मैं खुद को बचाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम्हारी बीवी किसी न किसी तरीके से मेरी बेइज्जती कर ही देती है। आज भी मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे सम्राट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। सम्राट? विराट सर आपके आने से डिस्टर्ब नहीं होते पाखी दीदी। और जहां तक रही मेरी बात, आपके आने से मैं भी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आपके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेरे यहां होने से आप डिस्टर्ब जरूर होती है, क्योंकि आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती ना, इसलिए आप प्लीज विराट सर के साथ आपको जो भी बात करनी है कहीं और जाके करिए। अब हर बार मैं अपना कमरा आपकी वजह से तो नहीं छोड़ सकती ना। एक मिनट, मैंने तुम्हें कब इस कमरे से बाहर जाने को कहा? सम्राट के बारे में जो कुछ भी बात करनी थी ना, कहीं और जाके बात करते हैं। चलो एक मिनट। सही, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ लो। आज के बाद तुम देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में ना तो मुझसे ना तो घर के किसी भी सदस्य से बात करोगे, जब तक मैं बात की तह तक ना पहुंच जाऊं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। सही, चलो। बोलो, क्या जरूरी बात करनी थी सम्राट के बारे में? एक्चुअली विराट, इतने दिन हो गए सम्राट के ऑफिस में लेटर भेजे, लेकिन अभी तक वहां से कोई खबर नहीं आई। मैंने बहुत बार फोन करके पूछा भी, लेकिन वही पुराना जवाब कि तलाश जारी है, जिससे पता चलेगा वैसे बता देंगे। इस जवाब से मैं खुद को तो संभाल लूंगी, लेकिन आई को मैं कैसे संभालू? वो हमेशा अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछती रहती कि मेरा सम्राट कब आएगा, वो कहाँ है, लेकिन अब तुम्हें बताओ कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे भी नहीं पता। वो लद्दाख का ट्रिप तुमने कैंसिल किया, उसके बाद मुझे न जाने मैंने कितनी बार आर्मी हेडक्वार्टर्स में कॉल किया है, मुझे भी एक ही जवाब मिला है। The search is still on. अब तो ब्रिगेडियर सूद ने भी मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। कैसे उठाएंगे वो? उनके पास जवाब देने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। बाकी मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि मानसी बुआ को बोलो
अपनी उम्मीदें ना तोड़े। उनका बेटा जरूर वापस आएगा। हम रोज प्रार्थना करते हैं सम्राट की सलामती के लिए, लेकिन ऊपर वाला अब कब हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा ये नहीं पता। तुम्हें पता है ये मेरी पहली होली होगी जहां मेरा जीवा मेरे साथ नहीं होगा। विराट प्लीज चुप हो जाओ। वैसे शादी के बाद मेरी भी ये पहली होली है, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, मेरा पति नहीं होगा मेरे साथ। कम से कम तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी तो है। खैर छोड़ो, मैं बस तुमसे यही बात करने आई थी। लेकिन सही तो बस अपनी धुन में ही लगी रहती है, उसे तो बस अपनी चलानी होती है। आबा, क्या मैं अपने मन की करती हूँ? नहीं ना, मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो सही होता है। और आपको पता है, अब तो फिर हट सने ना मुझे शादी के बारे में बात करने से भी मना कर दिया है। आप ही ने सिखाया था ना आबा कि एक चना भी भाड़ तोड़ सकता है बाड़ा। जिस तरह आप अकेले जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, अपने विश्वास पर अटल रहकर फैसला लेते थे, ठीक उसी तरह आज मैं भी एक फैसला लेती हूं कि मैं खतरा उठाऊंगी, अंजाम जो भी हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब मैं देवी ताई की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकती। तकलीफों को उनकी जिंदगी में अब और घर बनाता देखना मुझे मंजूर नहीं है। नहीं पाखी, सही दिल की बुरी नहीं है, थोड़ी जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है तो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाए बगैर रुकती नहीं है। ख्याल रखना विराट, सही ऐसी कोई जिद ना कर बैठे जिसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़े। आई होप जिस तरह से तुमने सही को हिदायत दी है उसका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, और वो देवी ताई और पुलकित की शादी के बारे में सोचना छोड़ देगी। आई होप ऐसा ही हो। मैं वाकई नहीं चाहता कि सही इस बार मेरे खिलाफ जाए। मैंने ये फोटो तुम्हारी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से ली है। उसमें एक ही चीज लिखी है कि पुलकित शादीशुदा है और उसकी पत्नी का नाम संगीता देशपांडे है। अब देवी ताई और पुलकित की शादी हरगिज नहीं होगी। ये देखो सही, मेरा नाम डॉक्टर पुलकित देशपांडे, स्पाउस नेम देवयानी चव्हाण। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट पे विराट सर को और मुझे अलग अलग नाम दिखे? कुछ तो गड़बड़ है। जब कुछ भी करके वो डॉक्यूमेंट घर पर लाकर सबको दिखाना होगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। बल्कि तुम आप ही ताई, ताई शांत हो जाइए। ताई, आपको तो बुखार है।
ताई रात में भी रोते रोते सोई थी और अभी भी नींद में पुलकित सर का ही नाम ले रही है। ताई, मैं आपको आपके पति से मिलवा के रहूंगी। आज मैं कॉलेज से पुलकित सर का असली डॉक्यूमेंट लेके आऊंगी, जिसमें उनकी पत्नी के नाम वाले कॉलम में संगीता देशपांडे नहीं, देव्या ने लिखा है। क्या हुआ आई, ऐसे क्या देख रहे हो? आज तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई और आते ही काम पे भी लग गई? हाँ, वो आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है ना, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। अच्छा, वही मैं सोचू आज तुम इतनी जल्दी तैयार होकर रसोई में कैसे आ गई। आई, मेरे कॉलेज जाने के बाद ना देवी ताई का ख्याल रखिएगा, उन्हें बुखार है। बुखार? एक मिनट, तुम ध्यान देना, मैं आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। अभी वो सो रही है अपने कमरे में, रात को रोते रोते सो गई थी। अगर सुबह उठ के दोबारा रोने लगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। बेचारी देवी, मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। सही, पुलकित की याद में और भी अपनी तबीयत खराब कर बैठी वो। हाँ, पता है आई, अभी भी नींद में पुलकित सर का ही नाम ले रही थी। मस्त मस्त, रसोई में कुछ पके ना पके, लेकिन सास बहू की खिचड़ी जरूर पकेगी। आज कौन सा तड़का लग रहा है? कहीं देवयानी की शादी कराने के लिए तुम अपना दिमाग फिर से तो नहीं दौड़ा रही हो? वहीनी, काय है, देवयानी की है हालत देखकर उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा आपको? तरस? अश्विनी, तरस का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी धोखेबाज से करवा दूं। पहले ही बेचारे की हालत खराब है, उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ काकू, पुलकित सर धोखेबाज नहीं है। उन्होंने झूठ नहीं बोला है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे। तेरी कहीं किसी भी बात पर मुझे पहले भी विश्वास नहीं था और अभी भी नहीं है। और तू कहना क्या चाहती है कि तेरा पति आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण की जांच गलत है? मैं नहीं कह रही कि विराट सर की जांच गलत है, लेकिन हाँ, विराट सर को पुलकित सर को लेकर कोई गलत फहमी तो जरूर हुई है। साहब को फन से पकड़ो या पूछ से, दस्ता ही दस्ता है, वैसे ही तेरा है। तुझे प्यार से समझाऊं या गुस्से में, तू तो बस जहर ही उगलती है। अरे, तू तो अपने पति की बात झुठला रही है और उस पुलकित की वकालत किए जा रही है। ठीक है, तुझे उसकी जितनी वकालत करनी है कर ले, लेकिन उसके बारे में ना मेरी कभी राय बदलेगी ना फैसला। बड़ी मामी, आप भी सुबह सुबह किससे बात करके अपना मूड खराब कर रही हैं? कल रात में भी विराट ने इसे इतना समझाया, लेकिन इसे एक बात समझनी है। मैं तो अब बस यही कहूंगी कि बेचारे विराट की किस्मत ही खराब है। पाखी दीदी, आप हमेशा सही। तुम्हें कॉलेज जाने को लेट हो रहा है ना, फटाफट अपना काम करो और जाओ। बस चाय पत्र लिखा बना लेगी। वैसे भी हमें उसकी हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। तू जा। और हाँ, कॉलेज पढ़ाई करने के लिए ही जाना। विराट ने तेरी पढ़ाई की फीस दी है, ना कि फिजूल हरकतें करने के लिए। उसके पैसे मत बर्बाद कर। बिना सबूत के इनसे कुछ भी बोलने का फायदा नहीं है। अब मैं इन्हें बोल के नहीं, सबूत दिखा के जवाब दूंगी। आज कॉलेज से वो डॉक्यूमेंट लाकर मैं ये साबित कर दूंगी कि पुलकित सर धोखेबाज नहीं है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.